रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रेडियो स्टूडियो में जुड़ रहे हैं यमुना विकास प्राधिकरण और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह जी। हम जानना चाहेंगे कि अब तक जेवर एयरपोर्ट में क्या प्रोग्रेस हुई है और साथ ही अन्य विकास कार्य जो यमुना विकास प्राधिकरण में चल रहे हैं उन पर भी हम उनसे बात करेंगे। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर अरुण वीर जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ग्राउंड लेवल पर आ गया है, काफ़ी उस पर काम शुरू हो गया है, तो हमारे श्रोताओं को उसकी प्रोग्रेस अब तक की जो हुई है उस पर सर जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, जो प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस पर काम शुरू हो गया है। 3 दिन पहले यहाँ मौके पे काम शुरू हो गया है जी। और सब चरण में काम में बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है, जमीन का चरण किया जा रहा है तथा साइट ऑफिस बनाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इस जमीन के जो भी इन्वेंट्री थी सभी सौंप दी गई है ज्यूरिख इंटरनेशनल टीम की जो भारतीय कंपनी है नोएडा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसको जमीन करा दी गई है तथा उनके द्वारा ही जो है ये काम कराया जा रहा है। इतने भी एग्रीमेंट और भी होने थे, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट, कंसेशन एग्रीमेंट के तहत अदर एग्रीमेंट जितने भी थे सभी एग्रीमेंट हो चुके हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो चुकी है, डिफेंस क्लियरेंस हो चुकी है, होम क्लियरेंस हो चुकी है, मौका क्लियरेंस हो चुकी है, डीजीसीए की क्लियरेंस हो चुकी है, एरा की क्लियरेंस हो गई है और साथ ही साथ मास्टर प्लान इनका पास कर दिया था। पहले हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को मास्टर प्लान के लिए भेजा था जी। अब इन्होंने कि अन्य विभाग जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जुड़े हुए एविएशन सेक्टर के, जैसे डीजीसीए, विकास और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन सभी को उन्होंने भेजा था मास्टर प्लान और सभी विभागों ने अपनी अपनी कचरे इसमें सुधार या चीजें बताई थी कि इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो मास्टर प्लान में वो चेंजेस कंसेशनर ने किए थे और फिर दोबारा उनको भेजा गया कि इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, आप देख लीजिए। तो दोबारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के विभागों ने इसको दोबारा देख लिया और देख अपनी सहमति, फिर वो मास्टर प्लान हमारे जनता प्राधिकरण बोर्ड में से सब्सिडी उसकी भेजी गई और उसके पश्चात नायल बोर्ड की बैठक हुई, बैठक में इसको अप्रूव कर दिया गया। इस प्रकार जो है मास्टर प्लान भी अप्रूव हो गया। मास्टर प्लान अप्रूवल के साथ साथ निर्माण का अनुमति भी दे दी गई। जहाँ प्लान का प्रश्न है वो उसके लिए भी अनुरोध